क्या है इसमें बिंदुओं जीरो कॉमा जीरो और छत्तीस कॉमा पंद्रह के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए क्या आप क्या अब आप अनुच्छेद सात दशमलव दो में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं तो बच्चों इसमें टोटल दो क्वेश्चन पूछे हैं एक तो हमें जो बिंदु दिए हैं उनके बीच की दूरी निकालनी है फिर एक पीछे बुक में क्या दे रखा है एक एग्जांपल दे रखा है और बोला है कि क्या आप उसमें दो शहर दिए हैं उनके बीच की दूरी भी हमको बतानी है तो पहले बच्चों जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं यहाँ पे हमें बिंदु दिए हैं जीरो 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 कौमा जीरो और फिर दिया है हमें छत्तीस कौमा पंद्रह ठीक होगा ये दो चीज हमको दे रखी है तो यहां से हम दोनों का क्या निकाल लेते हैं पहले मान लेते हैं माना पी बराबर ले लेते हैं जीरो कौमा जीरो और क्यू बराबर ले, ले लेते हैं छत्तीस कॉमा पंद्रह ठीक है तो यहां लिख देंगे पी क्यू के बीच की दूरी क्योंकि हम बीच की दूरी का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं पी क्यू के बीच की दूरी क्या होता है फॉर्मूला बच्चों रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एक्स टू का मान बच्चों कितना देखो यहाँ से देखेंगे पहला एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना थर्टी सिक्स माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा हमारे पास जीरो फिर स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई टू कितना है हमारे पास पंद्रह माइनस वाई वन कितना है जीरो इसका हो जाएगा स्क्वायर तो यहाँ देखो छत्तीस माइनस जीरो करेंगे क्या आ जाएगा छत्तीस का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा हमारे पास क्या रूट प्लस पंद्रह माइनस जीरो करेंगे आ जाएगा पंद्रह का स्क्वायर रूट में अब देखो छत्तीस का स्क्वायर बच्चों करेंगे कितना आएगा जल्दी से बताओ आप लोग कितना आ जाएगा छत्तीस का स्क्वायर करने पे जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा बारह सौ छियानबे तो यहाँ लिख सकते हैं हम छत्तीस का स्क्वायर बारह सौ छियानबे छत्तीस छत्तीस करके बच्चों कितना आ जाएगा बारह सौ प्लस पंद्रह का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा दो सौ पच्चीस इन दोनों को जोड़ते हैं, आ आएक आएक जोड़ते हैं आ कितना आ जाएगा देखो इकाई का एक अंक जोड़ते हैं देखो पांच और छह कितना हो जाएगा ग्यारह हासिल लगा एक नौ और दो बच्चों कितना हो जाएगा ग्यारह और जो एक हासिल था उसको जोड़ देंगे बारह फिर हासिल लगा एक फिर यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो चार और जो एक हासिल था पांच और यहाँ पे आ जाएगा कितना एक ठीक हो गया पंद्रह इक्कीस अब बताओ पंद्रह इक्कीस बच्चों किसी का स्क्वायर रूट होता है या नहीं होता है बताओ बच्चों किसका होता है जल्दी जल्दी बताओ किसका होता है बच्चों थर्टी नाइन का अगर आप इसके फैक्टर निकालोगे तो देखो पूरा अभाज्य गुणनखंड निकाल के जोड़े बन जाएंगे तो उसका लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा थर्टी नाइन ठीक है तो यहाँ लिख देंगे हम पी क्यू के बीच की दूरी पी क्यू के बीच की दूरी कितनी आ गई बच्चों हमारे पास थर्टी नाइन देखो पंद्रह इक्कीस अगर आप लोग नहीं निकाल पाओगे तो यहां हम उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं पंद्रह इक्कीस का कैसे आया थर्टी नाइन फैक्ट्री निकाल लेते तीन का भाग चले जाएगा दोनों में तीन पंजे पंद्रह और यहाँ देखो अब दो अंक एक साथ ले रहे तीन का भाग दो में नहीं जाएगा तो पहले जीरो ले लेंगे फिर आ जाएगा कितना तीन सत्ते इक्कीस फिर तीन का भाग देंगे इसमें देखो तीन एकम तीन ठीक है कितना बचा यहाँ पे दो ये हो जाएगा कितना बीस तीन छंग हो जाएगा अट्ठारह फिर दो बचा तीन नम सत्ताईस फिर तीन से जाएगा तीन पंजे पंद्रह ठीक है यहाँ से एक बचा कितना आ जाएगा उन्नीस तो यानी तीन का भाग इसमें नहीं जाएगा पाँच का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में एक एक अंक जीरो का होना चाहिए एक होना चाहिए नहीं आएगा तो यहाँ से हम दे लेंगे किससे सात से देखो सात दूनी हो जाएगा चौदह फिर पंद्रह सोलह दो बचा नहीं जाएगा इसमें सात का भी बताओ बच्चों कौन सी संख्या का भाग जाएगा इसमें अगर हम देंगे सात देखो आठ का तो जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या है वो उसका भाग नहीं जाएगा और नौ से देखें तो नौ भी नहीं जाएगा अगर तीन नौ से जाना होता तो तीन से भी चले जाता ग्यारह से करके देखते हैं देखो ग्यारह एक कम ग्यारह बचेगा कितना पाँच फिफ्टी नाइन हो जाएगा नहीं जाएगा फिर तेरह से करेंगे तेरह एकम तेरह तीन बचेगा तेरह तिया उनतालीस तो देखो बच्चों किससे चले जाएगा इसमें बाद तेरह से तेरह एकम तेरह यहाँ से बचा तीन और इधर हो जाएगा कितना थर्टी नाइन उनतालीस तेरह तिया हो जाएगा कितना उनतालीस फिर यहां ले लेंगे तेरह से भाग चलेगा तेरह में कितनी बार एक बार तो यहां से जोड़ा बना ले कितना तीन का बन गया और यहाँ से तेरह का तेरह और तीन के गुणा कराएंगे बच्चों कितना आएगा थर्टी नाइन तो ये हो गया बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट और अब देखते हैं क्या आप इस जो अनुच्छेद दिया हुआ है सेवन पॉइंट टू उसको देख लेते हैं पहले क्या कहा है उसमें सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू ये रहा इसमें कहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से छत्तीस किलोमीटर पूर्व और पंद्रह किलोमीटर उत्तर की ओर है आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं ठीक हो गया बच्चों तो यहाँ जो इसका डायग्राम दे, दे रखा है वो बना लेते हैं पहले यहाँ पे दे रखा है एक बिंदु यहाँ पर है ए और दूसरा बिंदु हो जाएगा यहाँ पे बी ठीक हो गया अब ये टोटल दूरी दे रखी है इसकी कितनी पंद्रह किलोमीटर और ये दे रखा है टोटल छत्तीस किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ठीक है तो अगर हम इस ए के निर्देशांक की बात करें बिंदुओं की बात करें देखो स्टार्टिंग में यहां हमारा जीरो 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 होता है तो यहां पे आ जाएंगे पॉइंट हमारे जीरो जीरो यानी ए बराबर हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो और देखेंगे बी बी वाले में देखेंगे पहले एक्स अक्स वाला देखेंगे एक्स वाली लाइन ये रही कितनी है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स और वाई वाले अक्स पे कितना है बच्चों पंद्रह क्यों हे इसको छत्तीस को पहले लिया पंद्रह को पहले ले रहे हैं क्योंकि देखो पहले हमारा जो आता है वो एक्स वन आता है जो दूसरा आता है वो y बनाता है तो देखेंगे पहले एक्स वाली लाइन छत्तीस पे है और दूसरी लाइन कितनी है पंद्रह तो ये निर्देशांक बच्चों अगर हम देखेंगे तो इन्हीं निर्देशांकों की अभी हमने बीच की दूरी निकाली है कैसे निकाली है फॉर्मूले से तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ हम इनके बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं हाँ दिए गए अनुच्छेद दिए गए अनुच्छेद में दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि बच्चों जो इनके निर्देशांक है वो सेम ही है जीरो जीरो छत्तीस पंद्रह तो सेम हम बीच की दूरी के फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट